आज मैं अपने पेशेंट्स को लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में बताना चाहूँगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हेयर रिमूवल लेज़र कराना चाहिए, कौन राइट कैंडिडेट हैं जिनको लेज़र से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद हमें क्या केयर करनी चाहिए, किस तरह के लेज़र्स अवेलेबल हैं इसके लिए जो हेयर रिमूवल किए करते हैं, और कौन कौन से हेयर रिमूवल लेज़र सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, जो पेशेंट्स फीमेल पेशेंट्स हैं जिनको PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है, या फिर फैमिलियल हेयर ज़्यादा हैं, उनके लिए हम लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट करते हैं। जो लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है अगर ग्रोथ थिक एंड डार्क है। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके हेयर बहुत ही फाइन हैं, थिन हैं, और वो कहते हैं कि हमारा हेयर रिमूवल आप कर दीजिए, तो दे आर नॉट राइट पेशेंट्स फॉर हेयर रिमूवल, क्योंकि जो हेयर रिमूवल का जो रिज़ल्ट है वो थिक एंड डार्क ग्रोथ में ही अच्छा मिलता है। बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लेज़र है दैट इज मेंट फॉर अनवांटेड हेयर। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको नॉर्मल हेयर हैं, थिन फाइन ब्लीचेबल हेयर हैं, उनको हेयर रिडक्शन नहीं कराना चाहिए। तो जिन लोगों को थिक डार्क बियर्ड आती है उनके लिए ही हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट बना है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए, तो हम पहले तो उसकी ग्रोथ को जांचते हैं कि वो थिक है, डार्क है, या थिन और फाइन है, और उसकी डेंसिटी कितनी है। फिर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि हाँ कोई उसको हार्मोनल इम्बेलेंस प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि उसको कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई एक्सेसिव वेट तो नहीं है, या उसको एक्ने ज़्यादा तो नहीं है, या साइड बाय साइड हेयर फॉल भी अगर ज़्यादा होता है, तो इन सब बातों से हम जजमेंट लेते हैं कि पेशेंट को कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है या नॉर्मली हेयर ज़्यादा है। अगर हमें लगता है कि कोई पेशेंट की कोई हिस्ट्री है हार्मोनल इम्बेलेंस से रिलेटेड, तो हम कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड पेट का, जिसको हम एडवाइज करते हैं ताकि पेशेंट का हम हार्मोनल लेवल जांच सकें, जिससे हमें पता लगता है कि कोई अंदरूनी कारण तो नहीं है हेयर ज़्यादा होने का। ठीक है, अगर हमें लगता है कि कोई कारण हमें मिल पा रहा है जिसकी वजह से उनके हेयर ज़्यादा हैं, तो साइड बाय साइड हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देना होता है, जिसके लिए हम अपने पेशेंट को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हम जनरली लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को गाइड करते हैं, उसकी राइट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, पेशेंट जब आता है उसके माइंड में यही होता है कि हाँ मेरे जो हेयर हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, और जनरली कुछ पेशेंट्स में ऐसा नहीं हो पाता। जो हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है दैट इज़ बेसिकली वी मस्ट से इट्स परमानेंट हेयर रिडक्शन, नॉट हेयर रिमूवल कम्प्लीटली। हम हेयर रिडक्शन अचीव कर सकते हैं 60-70%, मे बी मोर देन दैट कुछ केसेज में, जहाँ पे हेयर थिक एंड डार्क है उनका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, साइड बाय साइड हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, साइड बाय साइड हम लेजर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साइड बाय साइड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। जो लेज़र इसमें हम यूज करते हैं, आज की डेट में डायोड लेज़र जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लेज़र माना जाता है इसके लिए। जो डायोड लेज़र है, लॉन्ग पल्स NDI लेज़र एंड IPL, दीज आर दी थ्री टेक्निक्स जिससे हम हेयर रिडक्शन करते हैं। बट आज के जो टाइम में डायोड लेज़र को हम सबसे अच्छा मानते हैं। जनरली लेज़र ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट को प्री प्रेपरेशन ज़रूरी है कि उसको थ्रेड या वैक्स किए हुए 10-15 डेज हो जाने चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ हमें विजिबल हो सके, ताकि हम उनकी रूट्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। कई बार पेशेंट आता है वैक्स किया हुआ है या थ्रेड किया हुआ है 2-3 दिन पहले, तो हमें लेज़र ट्रीटमेंट को थोड़ा डिले कर देना चाहिए। तो जब 10-15 दिन की ग्रोथ है पेशेंट की, तब हम उसको बुलाते हैं, फिर हम लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट से पहले हम एरिया को मार्क करते हैं, पेशेंट को दिखाते हैं कि हाँ आपको ये एरिया की ज़रूरत है, जहाँ पे हेयर नहीं है उसको हम अवॉइड करते हैं एरिया को एक्सपोजर। तो जो थिक एंड डार्क ग्रोथ वाला एरिया है उसको हम मार्क करके पेशेंट को अच्छे से दिखा के फिर हम उसका लेज़र ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट से पहले जनरली हेयर को क्लीन किया जाता है कि जो सरफेस हेयर हैं वो ना रहें। सरफेस हेयर को क्लीन करने के बाद लेज़र ट्रीटमेंट को हम उस जो हमारा एरिया है जिसको हमने मार्क किया है उस पर लेज़र लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जनरली अराउंड पूरा फेस करने में 10-15 मिनट लगते हैं, जिससे पूरा ट्रीटमेंट टाइम इंटरवल हो जाता है। ठीक है, फिर हम पेशेंट्स को जनरली क्या होता है, जब हमने हेयर रूट को बर्न कर दिया, लेज़र जो है हेयर रूट को बर्न करती है, हेयर रूट को निकालती नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि 2nd-3rd डे से ही पेशेंट को बाल आने लगते हैं। वो क्या होता है, डेड रूट्स होती हैं जो अपने आप 10 दिन में आके शेड हो जाती हैं,
फिर पेशेंट को कुछ दिन के लिए बाल नहीं आते हैं, मे बी 15-20 दिन, तो जल्दी 5-6 वीक पे हम सिटिंग को रिपीट कर पेशेंट को बुलाते हैं। और इनिशियली वी रिकमेंड 7-8 सिटिंग्स स्पेसिंग एट ए गैप ऑफ 6-8 वीक्स, जिसमें हमें पेशेंट को अराउंड 60-70% ग्रोथ रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को मेंटेनेंस सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस ग्रोथ को हम मेंटेन कर सकें, जो ग्रोथ हमने रिजल्ट अचीव किए हैं वो दोबारा पेशेंट को दिक्कत ना आए। तो जनरली जो मेंटेनेंस सिटिंग है वो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट किया जाता है। कई पेशेंट्स हैं जिनको 5-6 महीने में मेंटेनेंस कराना पड़ता है इनिशियली, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको साल में एक सिटिंग करानी पड़ती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी ज़रूरत पड़ती मेंटेनेंस सिटिंग की। बट वो सब किस चीज़ पर निर्भर करता है कि हमारा हार्मोनल स्टेटस क्या है, हमारा एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से ही रिजल्ट मिलते हैं। जनरली जो मशीन्स हैं, जो करने वाला है, उसकी एक्सपर्टीज तो मैटर करती ही है, बट पेशेंट का जो हार्मोनल स्टेटस है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका हार्मोनल लेवल कैसा है, उसके हिसाब से भी रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम जनरली पेशेंट को पोस्ट केयर भी एडवाइस करते हैं। लेज़र करने के बाद एक क्रीम दी जाती है, स्टेरॉइडल क्रीम, ताकि वो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर सके। पेशेंट को कुछ दिन के लिए 5-7 डेज स्ट्रिक्टली सनस्क्रीन लगाना होता है। ठीक है, सेम डे जल्दी हम अवॉइड करते हैं कि सोप ना लगाया जाए। अगर पेशेंट को लगता है कि 2-3 दिन बाद रेडनेस या इरिटेशन परसिस्ट कर रही है, तो हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि वो एक बार फॉलोअप के लिए ज़रूर आए। देखिए, लेज़र में क्या होता है कि कई बार पेशेंट के मन में डाउट होता है कि हाँ, हमारी स्किन बर्न तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, हमें जलन तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग तरह के लेज़र उपलब्ध हैं। अब हमारे पास एक मशीन है जिसको हम रिलेटिवली पेनलेस हेयर रिमूवल कहते हैं। ठीक है, ये मशीन है आलमा कंपनी की, सोप्रानो लेज़र हेयर रिमूवल है, जिससे हम पेनलेस हेयर रिमूवल कर सकते हैं। उससे पेशेंट को जस्ट ए हॉट स्टोन मसाज की तरह फीलिंग आती है और पेन नहीं होता। और हमारे पास एक और मशीन है ल्यूमिनस, जिसकी डिज़ायर मशीन है वो। ये दोनों मशीन ही USFDA अप्रूव्ड हैं, दोनों में डायोड टेक्नोलॉजी है, जिससे हम बेस्ट रिजल्ट पेशेंट को दे सकते हैं। बट फिर भी लेज़र ट्रीटमेंट है, इट्स ए लाइट एंड हीट। फिर भी अगर पेशेंट को कुछ रेडनेस परसिस्ट करता है या उसको लगता है कि कुछ मुझे थोड़ा बहुत बर्न हुआ है, तो दैट इज़ ट्रीटेबल। तो उसके लिए घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रॉपर जब केयर करेंगे, पोस्ट केयर करेंगे जो हमें बताई गई है, डॉक्टर को प्रॉपर दिखाएंगे, तो हमें कोई भी परमानेंट निशान नहीं पड़ेगा।